नमस्कार, स्वागत है आपका विंध भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं। विधानसभा मुख्यालय गुढ़ में आज कांग्रेस पार्टी के पर्यवेक्षक व रीवा लोकसभा प्रभारी सिवनी विधायक रजनीश सिंह द्वारा गुढ़ विधानसभा अंतर्गत तीनों ब्लॉक की बैठक ली गई, साथ ही रायशुमारी भी की गई। आने वाले लोकसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से ली गई इस बैठक में पर्यवेक्षक रजनीश सिंह द्वारा अपने उद्बोधन के माध्यम से कार्यकर्ताओं में नए जोश व ऊर्जा का संचार किया गया। साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव में गुढ़ विधानसभा सहित रीवा जिले की समस्त विधानसभा क्षेत्रों के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी को और भी अधिक मजबूत करने की अपील की गई। कार्यक्रम को कई वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं द्वारा पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा भी संबोधित किया गया व अपनी राय रखी गई। कार्यकर्ता बैठक में कांग्रेस पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष त्रियुगी नारायण शुक्ला भगत, संगठन मंत्री रवि तिवारी, कुमार सिंह, विपन पांडे, जिला महामंत्री गोवर्धन प्रसाद पयासी, चंद्रमोल उपाध्याय, ब्लॉक गुढ़ अध्यक्ष महेंद्र उपाध्याय, रायपुर ब्लॉक अध्यक्ष पद्मदीप शुक्ला, गोविंदगढ़ ब्लॉक अध्यक्ष नरेंद्र तिवारी, दिनेश नारायण, पीड़िया जिला उपाध्यक्ष सुशील कुमार दुबे, जिला महामंत्री कांग्रेस कमेटी रीवा प्रदीप त्रिपाठी, इश्तहाक खान, ब्रिजेश त्रिपाठी मुइया, राघवेंद्र पीड़िया, विजय सिंह, मुमताज खान, दिनेश उपाध्याय, नरेश तिवारी, लक्ष्मण कोल, सज्जन सिंह सहित सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम का आयोजन व संचालन ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी गुढ़ महेंद्र उपाध्याय द्वारा किया गया। कार्यक्रम पश्चात हमारे संवाददाता इसराइल खान द्वारा पर्यवेक्षक से लिए गए बयान में उनके द्वारा क्या कुछ कहा गया, देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस ने हमेशा संघर्ष किया है, संघर्ष का ही दूसरा नाम कांग्रेस पार्टी है। गुलामी से लेकर आजादी तक इस भारत में अगर किसी का योगदान है तो वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं का योगदान है। आप और हम सौभाग्यशाली हैं कि सार्वजनिक जीवन में सेवा करने का अगर हमने ध्येय रखा और बीड़ा उठाया तो हम कांग्रेस पार्टी के इस तीन रंग के त्याग, तपस्या और बलिदान के झंडे को हाथ में लेकर हम कांग्रेस के कार्यकर्ता कहलाने का गौरव प्राप्त कर रहे हैं। हमारे नेताओं ने शहादत दी, त्याग किया, व्रत और उपवास के माध्यम पर इस भारत को आजाद दिलाने का काम किया। हमारी नेताओं की आजादी का और गुलामी के समय में शहादत का एक लंबा इतिहास है जिसको भारत की कोई भी दूसरी पार्टी उसको छू नहीं सकती, उसको पा नहीं सकती। मेरे साथियों, सर, कांग्रेस पार्टी जिले में रायशुमारी करा रही है, पार्टी का क्या मकसद है इसके पीछे? पार्टी का ये मकसद है, हम लोग जो प्रभारी बनकर आए हुए हैं, हम कार्यकर्ताओं की बैठक ले रहे हैं। हमारे जो क्षेत्रीय सेक्टर मंडल बूथ कमेटी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, हम कार्यकर्ताओं से चर्चा परचा कर रहे हैं, चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं और उस पर ये हम लोग जोर डाल रहे हैं कि हमारा संगठन और किस गति से काम करे और संगठन के साथी किस मजबूती से अपने अपने क्षेत्रों में काम करे, इस बात की हम चर्चा करें। पिछले 10 वर्षों का इतिहास अगर देखा जाए, खासतौर से रीवा जिले में, तो रीवा जिला कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बनता चला जा रहा है। लोकसभा चुनाव आने वाले, इसके लिए क्या कांग्रेस पार्टी द्वारा कुछ विशेष तैयारी खासतौर से रीवा जिले के लिए की गई है या की जाएगी? बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी की ओर से लोकसभा क्षेत्र की तैयारी बड़े अच्छे ढंग से की जा रही है और विंध्य क्षेत्र कांग्रेस का गढ़ हमेशा से रहा है। बरसों यहां से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार और कार्यकर्ताओं को क्षेत्र की जनता ने अवसर दिया है और विंध्य तो ना केवल कांग्रेस के गढ़ में मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे भारत में जाना और माना और पहचाना जाता था। यहाँ से यहाँ की जनता ने कुंवर दाऊ साहब, अर्जुन सिंह जी जैसे नेतृत्व को दिया, सम्मानीय श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी जी जैसे नेता को यहाँ से दिया, अनेकों नेताओं को यहाँ से उन्होंने अपना मत देकर मध्य प्रदेश की ही नहीं पूरे भारत की राजनीति में अपना स्थान और महत्व दिया है। तो शुरू से कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व और जनता का विश्वास
कांग्रेस के साथ में विभिन्न क्षेत्र में रहा है। निश्चित रूप से लोकसभा में भी आने वाले कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एकजुटता, उनके अथक प्रयास और मेहनत से निश्चित रूप से लोकसभा में सफलता मिली। सर एक सवाल और, सबका अभी कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को बनाया है, क्या लगता है आपको उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने से कांग्रेस पार्टी में क्या कुछ, उसके कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन में क्या कुछ सुधार होने की संभावना दिख रही है? बिल्कुल सुधार होगा। जीतू पटवारी जी को सभी सम्माननीय वरिष्ठ नेताओं का आशीर्वाद प्राप्त है और युवक कांग्रेस की राजनीति से उन्होंने अपना सार्वजनिक राजनीतिक जीवन को प्रारंभ किया है। हर जिले हर कस्बे से उनका सीधा संपर्क आज से नहीं, जब वो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष थे उस समय से थे। बड़े तेज तर्रार मंत्री के रूप में, मध्य प्रदेश शासन के मंत्री के रूप में उन्होंने काम किया है और आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में नौजवान हैं। हमारे तो हमजोली साथी हैं, हम सब, हम और वो एक साथ 2013 में मध्य प्रदेश की विधानसभा में चुनकर आएंगे। निश्चित रूप से युवा नेतृत्व हाईकमान ने दिया है, उसका लाभ मध्य प्रदेश में कांग्रेस को मिलेगा। सर आखिरी सवाल, सर राहुल गांधी इस समय पूरे देश में न्याय यात्रा कर रहे हैं, आगामी लोकसभा चुनाव में इस यात्रा का सर क्या देखने को मिलेगा? राहुल गांधी जी जो भारत जोड़ो की यात्रा कर रहे हैं, वो आज ही नहीं कर रहे, इसके पहले भी उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा में पैदल उन्होंने चले 4,4500 किलोमीटर उन्होंने पैदल पद यात्रा की। निश्चित रूप से भारत की जनता युवा नेतृत्व की ओर देख रही है और उनसे लोग मिल रहे हैं, इसका लाभ जरूर कांग्रेस पार्टी को मिलेगा।